अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम है उसको वर्टिकली सस्पेंड कर देंगे, और जब वर्टिकली सस्पेंड करेंगे तो क्या मोशन डिफरेंट होगा, मोशन किस तरह का होगा, एक तो ये पता करेंगे, दूसरा क्या वो ऑसिलेटरी मोशन करेगा, तीसरा ये सवाल क्या उसमें किसी तरह का ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। तो ये हमारे पास स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग का मास जो है वो नेग्लिजिबल है, और इस स्प्रिंग को हमने एक रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड कर दिया है, और उस समय पर इस स्प्रिंग की जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स है। अब हम इस पर किसी तरह का कोई एक लोड लगा देते हैं, एक मास लगा देते हैं। जब हम मास इसमें लगाएंगे तो ये स्प्रिंग थोड़ा स्ट्रेच होकर अपना डिस्प्लेसमेंट यहां कर लेगा। तो हमने यहाँ पे मास लगाया, और जैसे ही मास लगाया तो ये डिस्प्लेस्ड होके एक्स नॉट में आ गया। अब सवाल ये है कि ये जो मास आपको दिखाई दे रहा है इस पे तो एक नीचे की तरफ यहां पर फोर्स लग रहा है, तो ये जो फोर्स है ये हमारे पास कितना है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ग्रेविटी के जरिए, तो एमजी फोर्स हुआ। उतना ही फोर्स से वापस इसको अगर मैं छोड़ दूं तो ये वापस यहां पर इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो इसको वापस खींचने वाला कौन है, तो इसको वापस जो खींचने वाला है वो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो कि हुआ करता है आपका, हमें पता है जैसे कि ये फोर्स है एक तरह का, और यहां पर भी एक फोर्स हुआ करता है रिस्टोरिंग फोर्स जिसे हम लोग कहा करते हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा कि फोर्स फोर्स इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एम जी इज इक्वल टू, इस फोर्स की जगह पर हम इसको पुट कर देते हैं, दैट इज माइनस के, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया हुआ है, एक्स किया हुआ है। लेकिन इस सिचुएशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इस सिचुएशन पे डिस्प्लेसमेंट इसका एक्स नॉट हो गया। सो यहाँ पे माइनस को इग्नोर करना है, क्योंकि माइनस का मतलब सिर्फ है ऑपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करके। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जो टोटल फोर्स है दैट इज एम जी इज इक्वल टू, जहां पर इसको हम इधर लेकर आएंगे तो माइनस के एक्स नॉट हो जाएगा, दैट इज जीरो। एक तो ये हुआ कि जब अभी स्प्रिंग यहां पर है तो इस तरह से फोर्सेस यहां पर लग रहे हैं। अब देखिए, अब इस लोड जिसमें लगा हुआ है, मास लगा हुआ है, उस स्प्रिंग को हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं। जब स्ट्रेच करेंगे तो ये जो स्प्रिंग है और ज्यादा क्या करेगा, डिस्प्लेस्ड कर जाएगा। इस बार इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो गई वो हो गई एक्स वन, और जो फोर्सेस लग रहा है, एक तो डाउनवर्ड फोर्सेस लग रहा है और दूसरा फिर से इसको खींचने की कोशिश करेगा रिस्टोरिंग फोर्स, तो उसके बीच में हमें ये देखना है कि फोर्सेस कितने लग रहे हैं। तो एक यहां पर फिर से एक फोर्स एफ डैश लग रहा है, दैट इज, एक तो हमने देखा कि फाइनली ऊपर की तरफ कौन खींच रहा है रिस्टोरिंग फोर्स, दैट इज के, और डिस्प्लेसमेंट इस बार कितना है, एक्स वन है। माइनस इसमें क्या लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स में लग रहा है, दैट इज एम जी। अब आप देखिए कि यहां पर एम जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपके पास, तो एम जी का वैल्यू हमारे पास इतना दिया हुआ है, तो हम रखेंगे के एक्स वन माइनस के एक्स नॉट। अब देखिए कि के हमारे पास कॉमन है, ये बाहर निकल जाएगा, और एक्स वन माइनस एक्स नॉट हो जाया करेगा। तो ये क्या हुआ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो फाइनली हमने क्या देखा कि जो फोर्स है, ये जो फोर्स हुआ वर्टिकली जब हमने किया तो एक रिस्टोरिंग फोर्स हमें क्या मिल रहा है, टोटल सेमी मिल रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स मुझे क्या मिल रहा है, सेमी मिल रहा है। सो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं,
ये बिल्कुल हूबहू वैसा ही है जब हमने स्प्रिंग को हॉरिजेंटली रखा था। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन होता है रिस्टोरिंग फोर्स वाला, ये बता रहा है कि ऑसिलेटरी मोशन ही करेगा, क्योंकि अगर हम इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो इसका एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आएगा, और जो डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी अपोजिट दिखा रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि ये ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, ये तो बात तय हो गया। लेकिन क्या ग्रेविटी का कोई इसमें प्रभाव पड़ा? ग्रेविटी का किसी तरह का कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ता है। सो फाइनली हमने ये सीखा कि जो वर्टिकल अगर आप स्प्रिंग मास सिस्टम को लेते हैं तो उसमें भी जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा दैट इज एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स हुआ करेगा। और दूसरा जो पॉइंट की बात हमने सीखा इस पर कि ग्रेविटी का किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं हुआ करता है, सिर्फ डिस्प्लेसिस होगा इक्विलिब्रियम पर।